हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीई एंड सेकंड हमारा द रेक्टेंगल बीसीडीई इन दिस फिगर हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। हमारा क्या है, पहले तो हमें एक ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना है। ट्रायंगल हमारा है, अगर हम इसको ट्रायंगल ले लें तो ये क्या बोल रहा, ट्रायंगल है एबीई और फिर एक रेक्टेंगल है उसके साथ नीचे बना हुआ, ये है हमारा रेक्टेंगल हमारा क्या है बी सी डी ई। ठीक है, अब देखना कि पैरामीटर दोनों को निकालने के बाद देखना हमें कि किसका ग्रेटर है, इसका या ट्रायंगल या इसका। तो अब ट्रायंगल के साइड क्या दे रखी, ये 2 3/4 दे रखी, ये 3 3/5 दे रखी और ये 5/2 दे रखी। अब रेक्टेंगल का भी यही, ये साइड है मैंने ये दोनों के लिए सेम साइड है तो ये भी यही होगी 2 3/4 और ये दे रखी 7/6। तो हमें अब पैरामीटर पता होना चाहिए रेक्टेंगल एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। तो पहले हम ट्रायंगल का निकाल देते हैं, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या ए बी ई क्या होता हमारा क्या होता है पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी, ये जो साइड होती है इनको प्लस करना होता है बी ई प्लस ए ई प्लस ए, मतलब तीनों साइड को पैरामीटर क्या होता है तीनों साइड को हमें प्लस करना होता है। ठीक है, अब देखो पैरामीटर पी इक्वल टू क्या होगा, तो पी इक्वल टू क्या होगा ए बी कितना है हमारा 5/2 प्लस बी सी कितना है 2 3/4 प्लस ए ई अपॉन कितना है 3 3/5। अब ये तो मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इसको सिंपल में करेंगे तो पैरामीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 4 2 8 और 3 11/4 हो जाएगा प्लस 3 5 15 और 3 कितना हो जाएगा 18/5। अब हम इसको सीधे सीधे प्लस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो हम क्या लेंगे इनका एलसीएम लेंगे। अगर 2 4 5 का एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा 2 4 5 का हमारा एलसीएम कितना आएगा, हमारा आएगा 20। कितना आएगा 20, अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ रहा हमारा 20 आ रहा। ठीक है, 2 4 अब यहाँ देखो 2 4 5 का एलसीएम लेंगे हम 2 1 2 और 5 2 1 और 5 कितना आ रहा 20 आ रहा, तो हमारा एलसीएम हमारा 20 आ गया। ठीक है, हमने एलसीएम लिया 20, अब इस 2 से इसको डिवाइड करना कितने टाइम जाएगा 10 टाइम जाएगा। ठीक है, और इनटू 5 प्लस का साइन है तो प्लस, 4 का अगर इसे डिवाइड करोगे कितने टाइम 5 टाइम इंटू 11 प्लस 5 के इससे करोगे तो कितना 4 इंटू 18, तो पैरामीटर कितना आएगा 50 11 5 55 और 18 8 4 32 और 1 4 4 और 3 7/20। अगर इसको आप प्लस करेंगे तो आएगा 50 55 और 72, तो कितना है 9 आ रहा है 7 5 और 2 कितना 7 और 5 5 10 और 7 कितना हो रहा 17 1 कितना आ रहा 177/20। ये तो हमारा पैरामीटर आया किसका ट्रायंगल का। अब हमें निकालना है रेक्टेंगल का, अब हमें निकालना है किसका रेक्टेंगल का, तो हमारा सेकंड क्या है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या क्या होता 2l+b होता है। ठीक है, मीन 2l+b, l ये होती है और b ये होती है। अब हमें p इक्वल टू क्या हो जाए रेक्टेंगल 2, तो l हमारा कितना है l ये है। ठीक है, 2 3/4 प्लस और b कितना दे रखा 7/6 दे रखा। ठीक है, अब हम इसको पैरामीटर 2 तो ऐसे रहेगा लेकिन 4 2 8 और 11/4 हो जाएगा और ये 7/6 हो जाएगा। अब यहाँ भी वही, हमें क्या निकालना है इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, अगर मैं 6 4 एंड 6 का एलसीएम निकालूँ 2 2 3 2 1 3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आएगा 12। पैरामीटर इक्वल टू ये 2 बाहर से है ही, अब 4 का इससे क्या करना है डिवाइड करना है तो कितने टाइम 3 इंटू 11 प्लस का साइन प्लस, 6 का इससे करेंगे तो 2 इंटू 7 ये। ठीक है, अब पी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 33/14/12। अब हमारा 2 लगा दो और इसको प्लस कर दो कितना हो जाएगा 7 4 3 7 और ये कितना होगा 4/2। अब इंटू कर दो इसको, पैरामीटर इक्वल टू 7 2 14 मतलब 47 इंटू 2 ये 7 2 14
टू फोर से एट वन नाइन, तो कितना आ रहा है 94 अपॉन 94 अपॉन ये 12 है नीचे 12। अब ये देखो 170 हमारा, देखो ट्रेंगल का क्या था पैरामीटर, पैरामीटर ए बी ट्रेंगल ए बी ई कितना है 177 अपॉन 20 है, और रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का है हमारा 94 अपॉन 12 है, विच इज ग्रेट है। फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम करेंगे 20 और 12 का, देखो 2, अब देखो 2 कितना आ रहा है 60 आ रहा है, सिंपली हम कर देंगे 60 हमारा एलसीएम आएगा, अगर आप करके देखेंगे तो 60 आएगा, तो इससे देंगे तो कितना आएगा 60 से 3 टाइम जा रहा 177, और सेकेंड 12 से देंगे तो 5 इंटू 94। अब 177 इंटू 3 7 जै 21 कैरी 23 और 3 1 जै 3 और 2 कैरी है 5, तो कितना है 531 अपॉन 60 आ जाएगा, और यहाँ यहाँ 94 अपॉन 5, 5 4 जै 20 और 5 9 जै 47 कितना आएगा 47 अपॉन 60, विच इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर, ये किसका है ट्रेंगल का, ट्रेंगल इज ग्रेटर, ठीक है। तो आप ऊपर देंगे डिनोमिनेटर आप सेम हो गए तो ऊपर वाले देंगे, अब कितना ग्रेटर हो सकता है, कितने ग्रेटर है 531 अपॉन 60 और 470 अपॉन 60, माइनस कर दो, 1 में से 0 गया 1, 13 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6, ये तो 61 ग्रेटर हो जाएगा, कितने 61 अपॉन ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। आपको माइनस करना है 31 और 470, 1 13 में 7 गया 6, ठीक है, और ये 0 गए तो 61, तो थैंक यू।